ये जो बच्चा आप हमारे साथ देख रहे हैं, रहने वाला ये देहरादून का है और जम्मू का चक्कर लगाने के लिए आया है। किस तरह से आया है, किस तरह से ये जम्मू पहुंचा है, इनसे जानते हैं। बेटा क्या उम्र है आपकी? 12 साल 12 साल के हो, तो देहरादून से आप जम्मू कैसे आ गए? मैं आज से देहरादून की ट्रेन पे बैठा हुआ था और वो दिन से दिल्ली आके रुकी और दिल्ली से पुलिस वाले ने मुझे उस पर बिठाया जम्मू की ट्रेन पे। तो जम्मू क्या लेने के लिए आया? आप घर से निकले क्यों? मैं ऐसे घूमने के लिए निकला था। घूमने के लिए निकले थे? घर वाले नहीं घुमाते आपको? आपको ये नहीं पता मम्मा पापा परेशान हो रहे होंगे घर पे? पता है पापा क्या करते हैं? वो मेहनत मजदूरी करते हैं, अच्छा, मम्मा मम्मा काम नहीं करते। मम्मा डांटते हैं आपको? फिर आप घर से क्यों निकले? घर वालों को बोलते, जम्मू देखने का मन था? फिर कहाँ जाने के लिए निकले थे? डर मैं तो दिल्ली से वहाँ सीधा देहरादून जा रहा था। वहाँ पे तो नहीं लगा आपको? कोई अगर उठा लेता आपका, कोई किडनैप कर लेता, डर लगा आपको जब घर से निकले? तो फिर इससे पहले भी कई बार ये घर से निकल चुका है, क्यों निकलते हो घर से बाहर? जब वो पहली बार आए हो तो देहरादून से, जब आप कहीं और के लिए पहले भी घर से बाहर निकले हो, तब कहाँ कहाँ गए हो? तब तो मैं अपने देहरादून के अंदर ही रहता हूँ। अच्छा, वहीं पर रहते थे, तो घर वाले कैसे ढूंढते थे आपको? मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं जाता था, यहाँ से जाता था, यहाँ से तो कोई लालपुर से। टेंशन रहती है जो आप घर से बाहर निकल जाते हो बार बार? फिर घर वालों को क्यों टेंशन देते हो? जम्मू में कैसा लगा आकर? एकदम अच्छा नहीं लगा। नहीं अच्छा लगा? देहरादून अच्छा लगता था? वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ पर घूमने के लिए सब यहाँ पे घूमने के लिए नहीं है? तो आप जम्मू आए यहाँ पर, तो आपको वो नहीं हुआ कि पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे घर पे, मैं क्यों निकला हूँ बाहर? कांटेक्ट किया था घर वालों को कहाँ से? जम्मू के रेलवे टैक्स है। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि कल तो संडे था इसलिए मम्मी को बोला कि शाम को बैठे ट्रेन पे। अच्छा, तो आप कहीं भी निकल जाते हो अगर कोई आपको उठा के ले गया तो? आगे से जाओगे? कहाँ ना के रहने वाले हो आप? बिहार के? तो वहाँ से कैसे यहाँ पर पहुँच गया? अब क्या पता कैसे पहुँचाए हो यहाँ। कितने बोलने दिन से ढूंढ रहे थे आप? तीसरा महीना चल रहा है, जब से निकला है 5 बजे सुबह, जब से मतलब खोज ही रहा है कि कहीं पर ही नहीं था चला है। अब हमारा तो लड़का, अब तो क्या उम्र है इसकी? इसका 14 साल हो रहा उम्र। अच्छा, तो ये कितने दिनों से, 3 महीने से गायब था, तो आपको कैसे मिला ये? शेखपुरा जिला में एक हमारा गांव का रहा डीलर रहा, वही बोला कि जी जो तुम्हारा बच्चा मिल गया है। तो हम शेखपुरा जिला आए तो ठीक देखें तो मोबाइल पर बच्चा हमारा है, तो मैडम यहाँ बोला ठीक मिल गया, कोई दिक्कत चाइल्ड नहीं। वेलफेयर कमेटी में आप यहाँ पर आए, किस जम्मू तरह से से पता लगा पहुँचे? जी, जम्मू से यहाँ पता लगा आपको? जम्मू से। तो आप कितना शुक्रिया अदा किस तरह से करेंगे आपके आपके बेटे को उन्होंने ढूंढ लिया? इतना मदद किए हैं कि 3 महीना से ढूंढ रहे हैं बच्चा के, हमारा अब बच्चा मिल गया, हमारा बहुत आनंद हो गया कि हमारा बच्चा खोआ मिल गया। चलो अब आप ध्यान रखना इसका। ध्यान अब सर, जब कमाने वाला आदमी कितना ध्यान देंगे, बच्चा किधर गया नहीं उधर। तो ये जितने भी बच्चे आपने देखे ये अलग अलग जगहों से भूल भटक के जो है जम्मू पहुंच गए और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं और किस तरह से ये बच्चों की मदद करते हैं, किस तरह से बच्चों को पेरेंट्स तक मिलवाते हैं। और आपने जिस तरह से देखा कि एक बच्चा देहरादून से आया हुआ था और घूमते घूमते वो जम्मू पहुँच चुका था, और दूसरा जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, 3 महीने के बाद उस बाप को जब बच्चा देखा तो किस तरह से उनकी आंखें नम हुई, वो भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ मौजूद है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन शालिनी जी, इनसे हम बात करते हैं कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग इनके लिए रहता है कि इन बच्चों को पेरेंट्स तक पहुँचाना। मैम क्या कहना चाहोगे, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग, कितना ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए, कितना ज़्यादा जो है काम बढ़ जाता है? देखें, जम्मू में एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, इसके कारण हमें आए दिन ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो भूल भटक के गलती से ट्रेन में, कई बार तो खेल खेल में ट्रेन में चढ़ जाते हैं और आ जाते हैं। और ऐसे बच्चों का जनरली घर में छोटा सा माँ बाप के साथ कभी झगड़ा हुआ है या कभी कोई अचानक से ही निकल गया खेलते हुए, तो ऐसे बच्चों को जब हमारे पास चाइल्ड लाइन या हमारा रेलवे स्टेशन पर भी एक चाइल्ड हेल्प डेस्क करके बूथ है जहाँ बच्चे पुलिस या
गेस स्टेशन से कोई ना कोई उनको हैंड ओवर करता है, तो हम उस बच्चे को पूरा काउंसलिंग करके एक कम्फर्टेबल एनवायरनमेंट देने का कोशिश करते हैं। फिर बच्चे तो से बच्चे को किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं आधार कार्ड, जिस तरह से हमारी पहले भी आपसे इंटरेक्शन हुई थी, आपने कहा था कि बच्चे का आधार कार्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्या लगता है कितनी ज़्यादा आपको हेल्प उससे मिलती है? देखिए जब स्पेशल चिल्ड्रन आ जाते हैं, जो आम बच्चे आते हैं वो अपना डिटेल्स एक या दो दिन के बाद शेयर कर देते हैं जब उनकी नाराज़गी कम होती है, और जब स्पेशल चिल्ड्रन आते हैं जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, उनके केसेस बहुत चैलेंजिंग रहते हैं, तो पहली हमारी कोशिश होती है कि हम नियर बाय स्टेट्स की जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हैं उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, जो बच्चा अपने हाव भाव या जेस्चर से हमारे को समझाने की कोशिश करता है। जब हम उसमें भी कोई लीड नहीं मिलती है, कुछ भी हम सफल नहीं हो पाते, तो फिर हम बच्चे को एक स्पीच ट्रेनर के पास भी भेजने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर भी अगर हम नहीं सक्सीड करते तो फिर हम एज अ लास्ट रिजॉर्ट बच्चे का आधार लिंकेज करवाने का कोशिश करते हैं, बच्चे को आधार सेंटर पे हम भेजते हैं। तो जैसे कि पिछले साल 1.5 साल में हमने ऐसे 3 बच्चों को रीयूनाइट किया है। हम बच्चे की जैसे आधार बायोमेट्रिक्स में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर उनकी हेल्प लेते हैं, बच्चे को आधार सेंटर पे भेजते हैं, तो बच्चे के बायोमेट्रिक्स एग्जिस्ट पहले से दिखते हैं। फिर जब बच्चे का एड्रेस मिल जाता है तो वहाँ की CWC की हम हेल्प लेते हैं, बच्चे की एक इंक्वायरी रिपोर्ट करवाते हैं कि किस वजहों से बच्चा फैमिली फिट है। अगर फैमिली फिट होती है तो वो आके अपना बच्चा ले जाते हैं, नहीं तो कई बार हम चाइल्ड लाइन या पुलिस की हेल्प से बच्चा उनकी स्टेट में। एक 12 साल का बच्चा देहरादून से आ गया था यहाँ पर, तो क्या लगा आपको, बच्चों की क्या मेंटालिटी है जो इतनी दूर दूर से ये अकेले बिना किसी डर के एक राज्य से दूसरे कहीं ना कहीं? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की, लॉ की अवेयरनेस बहुत कम है। बच्चा अगर ऐसा किसी भी अकेला ट्रैवल करता दिखता है, किसी भी जो दूसरे यात्री साथ में होते हैं, तो ये बच्चा रिपोर्ट करना चाहिए। देखें अगर TC है तो उन्हें रिपोर्ट करिए, क्योंकि ये बच्चों को हम फर्दर उसकी हेल्प नहीं करें, बच्चे की कोई हेल्प उसे खाना दे के या पैसा दे के मत करिए। नियर बाय जो आपको पुलिस स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पर पुलिस है या TC है, आप उन्हें इन्फॉर्म करिए ताकि ये बच्चा जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स के ओवर हैंड ओवर किया जाए, ताकि बच्चे की अगर जो हेल्प करनी है तो जो चाइल्ड रिलेटेड एजेंसीज हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाए, ना कि उसको पैसा देकर और फर्दर वल्नरेबल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में मौजूद थे, और अब जिस तरह से इन्होंने बताया कि ऐसे केसेस कई सारे इनके पास आते हैं जो बच्चे दूर दूर से यहाँ पर आ जाते हैं, और साफ तौर से पेरेंट्स को भी लीनियंट रहने के लिए उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि जो आसपास के लोग होते हैं जो बच्चों को पैसे दे देते या खाना दे देते, उससे अच्छा है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या चाइल्ड हेल्पलाइन नाम से नंबर काफ़ी जगह सर्कुलेट होते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई भी बच्चा दिखता है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पैसे दे के नहीं बल्कि उन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उन बच्चों की मदद करनी चाहिए, और उन बच्चों को उन पेरेंट्स तक पहुँचाना चाहिए। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।